महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के अनंतपेठ इलाके में कपालेश्वर महादेव के नाम से 8वें महादेव विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैवस्वत कल्प के त्रेता युग में एक बार महाकाल वन में ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मण आहुतियां दे रहे थे। तब शिवजी भस्म धारण कर कंथा लपेटकर विकृत रूप में कपाल हाथ में लेकर भिक्षा लेने पहुंचे। ब्राह्मणों ने उनका अनादर किया। शिवजी ने कपालिक के रूप में कहा कि मैंने कपालिक का व्रत लिया है और ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए 12 वर्ष के लिए शिव की आराधना कर रहा हूँ। तब ब्राह्मणों ने कहा कि शिवजी को तो कपाली रूप में होने से दक्ष ने भी अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था। फिर उन्होंने कपाली रूप शिवजी को वहाँ से चले जाने को कहा। शिवजी ने कहा, मैं भोजन कर अभी लौटता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणों ने उनका निरादर किया। तब शिवजी ने वहाँ अपना कपाल रख दिया, ब्राह्मणों ने उसे बाहर फेंक दिया। इस पर वहाँ दूसरा कपाल उत्पन्न हो गया, ब्राह्मणों ने उसे भी फेंक दिया। तब वहाँ तीसरा कपाल उत्पन्न हो गया, इस पर वहाँ कपालों का ढेर लग गया। तब ब्राह्मणों को समझ में आया कि यह भगवान शिव का ही चमत्कार है। उन्होंने शिव की शतरुद्रीय से स्तुति की। शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि एक बार ब्रह्मा का 5वां सिर काट देने पर मुझे ब्रह्म हत्या लगी थी। उनका सिर मेरे हाथ से चिपक गया था, कई तीर्थों में स्नान करने पर भी नहीं छूटा। तब आकाशवाणी ने बताया कि महाकाल वन में गजरूप के पास बड़ा लिंग है, उसकी पूजा करो। तब वे वहां आए और उनके हाथ से कपाल अलग हो गया। उस लिंग का नाम कपालेश्वर रखा गया। तब ब्राह्मणों ने उस शिवलिंग के दर्शन किए। कपालेश्वर महादेव की 14 को पूजा करने से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो उनका नित्य प्रतिदिन दर्शन करते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।